सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि घर में घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है। देखिए, घड़ी समय दर्शाती है और आपके कार्यों की सफलता और आपकी कार्यों की सही दिशा के लिए जो आपका समय का आधार है घड़ी, उसको वास्तु के अनुसार घर में या ऑफिस में लगाना सबसे जरूरी है। वास्तुशास्त्र कहता है कि हर एक वस्तु, सजीव हो या निर्जीव, वो ऊर्जा को रिलीज करती है। वो ऊर्जा या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव, और ऐसी ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है जो आपके कर्म पे असर करती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो समय दर्शाती है घड़ी, उसको सही दिशा में लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही दिशा आपके कार्यों की दिशा भी तय करती है। तो वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा में घड़ी ना लगाए, ये सबसे पहले जाने। हिंदू धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा वो यम की दिशा मानी जाती है, जो मृत्यु के देवता है। घर की दक्षिण दिशा में या तो ऑफिस की दक्षिण दिशा में कभी भी घड़ी को ना लगाए। ये आपके कार्य या तो आपके बिजनेस से जुड़े कार्य में रुकावट लाती है। अगर आपको घड़ी लगानी है ऑफिस में या तो घर में, तो उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार लगाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी लगाने के लिए उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है। आप घड़ी को पश्चिम दिशा या तो उसको पूर्वीय दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ उत्तर दिशा मानी जाती है। घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वहां पे कभी भी आप घड़ी को ना लगाए, इससे आपके कार्य में अड़चने पैदा होती है। तो जो भी आप लगाए, घर में जो समय को दर्शाता हो, यहां तक के कैलेंडर की भी मैं बात कर रहा हूं, कैलेंडर को भी आप दक्षिण दिशा में कभी भी ना लगाए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।